राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा शिमला में लोगों में बढ़ती दिल की बीमारी पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में प्रदेश भर से आए जिला स्वास्थ्य अधिकारी शामिल हुए, जिसमें युवाओं में बढ़ती हार्ट अटैक बीमारी को लेकर जानकारी दी गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक प्रियंका वर्मा ने बताया कि युवाओं में हार्ट अटैक की समस्या बढ़ रही है, जिसका प्रमुख कारण खानपान और आलसी दिनचर्या के साथ बढ़ती नशे की प्रवृत्ति है। इन सभी के प्रति जागरूकता से हार्ट अटैक जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। अगर ये इतना सक्सेसफुल हो चुका है कि आपके जो 1000 इन्होंने पायलट बेसिस पे जिसे किया है और 1000 पेशेंट्स पे इनका सक्सेस रेट काफी अच्छा आया है, तो ये अगर हम पूरे हिमाचल में रेप्लिकेट करते हैं और पहले एक घंटे में जो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, कॉल्ड गोल्डन आवर, उस घंटे में हम किसी की जान बचा सके, इससे बड़ा काम कोई और हो नहीं सकता। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोगों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है, वर्कशॉप दी जा रही है, उसको बहुत ही सीरियसली लें, अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। फंडिंग की जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी मैन पावर रिसोर्सेज की जरूरत है, वी आर हियर, एनएचएम इसको पूरा प्रोवाइड करेगा, पूरी कोशिश करेगा। और फेज वाइज मैंने में जैसे डॉक्टर अनादी ने कहा है कि सब कुछ एक साथ नहीं मिल पाता, फेज वाइज में धीरे धीरे इसको करेंगे। मेन उद्देश्य यह है कि हमें लोगों की जान बचानी है, तो इसका पूरा लाभ उठाइए और इसको अपने अपने जिलों में ब्लॉक लेवल पे, टू द ग्रास रूट लेवल हमें इम्प्लीमेंट करना है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड होप कि हम हिमाचल में जो डेथ रेट हो रही है बिकॉज ऑफ द हार्ट अटैक, इसको इस नंबर को नीचे ला सकें।